कोरोना के इस दूसरी लहर ने जहां अब आम लोगों से लेकर बॉलीवुड स्टार्स को भी नहीं छोड़ा है, वहीं इस बीच सलमान खान ने खुद इस बात का खुलासा किया कि उनके घर में भी कोरोना का अटैक हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खान के घर में कोरोना की दस्तक पिछले महीने यानी अप्रैल में हुई थी और सलमान की बहन अर्पिता खान शर्मा और उनके छोटे छोटे दोनों बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि अब अर्पिता और उनके बच्चे रिकवर हो रहे हैं। दरअसल हाल ही में राधे के प्रमोशन के दौरान सलमान ने बताया, अर्पिता गॉट इट एंड आई थिंक किड्स आल्सो गॉट इट बट नो सिम्टम्स थैंक गॉड। दिस न्यू वेव इज टारगेटिंग द यंगर जनरेशन मोर सो बी सेफ एवरीवन। वैसे आपको बता दें कि अर्पिता के साथ साथ सलमान की बहन अलवीरा की भी कोरोना से इन्फेक्टेड होने की बात सामने आई थी, लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान ने इस पर क्लियर किया कि अलवीरा को कोविड नहीं हुआ था, इन्फेक्शन केवल अर्पिता और उनकी एक कजन सिस्टर को हुआ था, मगर दोनों अब पूरी तरह से ठीक हैं। वहीं कल अर्पिता ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके बताया कि पिछले महीने वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, हालांकि वो एसिम्प्टोमेटिक थी। देखिए अर्पिता का पोस्ट, I tested positive for COVID-19 in the beginning of the month of April 2021. However, I was asymptomatic. I followed all the guidelines and protocols and thankfully with the grace of God, I have fully recovered and have been well since. Stay safe, stay strong, stay positive. चलिए भगवान का शुक्र है कि अर्पिता अब कोरोना से रिकवर हो चुकी है और एकदम ठीक है। और राधे की रिलीज से पहले ये खबर सुनकर जाहिर है कि फैंस थोड़ा मायूस जरूर हो गए होंगे, लेकिन अब जब सलमान की फैमिली में सब कुछ ठीक है तो फैंस भी राहत की सांस जरूर ले सकते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।